हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज लड्डू गोपाल जी के लिए हम ये कलरफुल ड्रेस बनाएंगे और इस ड्रेस को हमने सिर्फ पफ स्टिच से ही बनाया है। हमने और कोई भी डिज़ाइन इसमें नहीं बनाया है, सिर्फ पफ स्टिच बनाते हुए हमने इस ड्रेस को कंप्लीट किया है। और आप इसे एक कलर में भी बना सकते हो, हमने मल्टी कलर में बनाया है। जितने भी कलर आपके पास अवेलेबल हो, अपने पसंद के अनुसार आप इस ड्रेस को बना सकते हो। सिर्फ पफ स्टिच से बना सकते हो, इसको बिगनर भी बना सकते हैं। जिसने अभी अभी क्रोशे चलाना सीखा है वो भी इस ड्रेस को आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही इजी मेथड से हमने इसको बताया है। और फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चोली मैंने बना ली है और ये हमारी 4 नंबर की लड्डू गोपाल जी के लिए है। 4 नंबर की चोली का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अब वहाँ से देख के इसको बना सकते हो। अब देखिए, घेरा हम बनाएंगे। मैंने स्लिप स्टिच से यहाँ तक इसको रखा है, यहाँ से हम घेरे को शुरू करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पे दूसरा कलर जॉइंट करना है। देखिए, दूसरा कलर जॉइंट करने के लिए मैंने धागे में एक फंदा बना लिया है, चैन। और देखिए, इस तरीके से हमें इसको जॉइंट कर लेना है। धागे को हम खींच लेंगे और देखिए फ्रेंड्स, फिर हम क्या करेंगे, 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। और देखिए, इसी चैन में हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ पे फर्स्ट रो में, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, चोली के बाद जो हमारा फर्स्ट रो घेरे का होता है उसमें हम एवरी चैन में से, सभी चैन में से दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हैं, जिससे फ्रेंड्स कोई भी झोल नहीं आएगा हमारे लड्डू गोपाल जी के घेरे में और एकदम फिट घेरा आएगा, अच्छे से बनता हुआ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सभी चैन में से दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर लिया है और देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे जॉइंट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम इस कलर को ऐड करेंगे और देखिए यहाँ से हमें इसको ऐसे ऐड कर लेना है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और देखिए पफ स्टिच बनाएंगे हम ऐसे, 1 2 3 4 और देखिए 5 टाइम्स हमें ऐसे धागा लेना है। और देखिए, फिर हमें इसको इस तरीके से ऐसे बना लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चैन और बनाएंगे हम यहाँ पे, जिससे यहाँ पे पक्का हो जाए। अब देखिए, फिर से हमें क्या करना है, हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ से इसमें से हमें निकालना है ऐसे, 1 2 3 4 और देखिए 5, इस तरीके से एक चैन और बनाएंगे ऐसे। देखिए इस तरीके से हमें बनाना है। अब देखिए, फिर से हम 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और देखिए पफ स्टिच बनाएंगे 5 टाइम्स ऐसे, 1 2 3 4 और देखिए 5 टाइम्स ऐसे पफ स्टिच बनाएंगे। एक चैन लेंगे इस तरीके से, देखिए ऐसे बनाएंगे, एक बार और बना लेंगे हम ऐसे ही, 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और देखिए फिर से हमें इसमें से 5 टाइम्स धागा लेना है, 1 2 3 4 और देखिए 5 ऐसे। देखिए इस तरीके से ऐसे हमें बनाना है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट इस कलर से बनाएंगे। हमें यहाँ पे देखिए, इस चैन को
इस चैन में से ही हमें बनाना है। इससे नेक्स्ट चैन में से सभी चैन में से हम बनाएंगे। देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 4 चैन बनाएंगे और देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 5 टाइम्स धागा लेंगे इस तरीके से, एक चैन बनाएंगे, फिर देखिए 1 2 3 4 फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से एक चैन बनाएंगे, फिर 1 2 3 4 देखिए इसी तरीके से हमें सभी चैन में से अलग अलग कलर से, आप यहाँ पे 2 कलर से भी बना सकते हो, 3 कलर से भी, जितने भी आपके पास कलर अवेलेबल हो आप इतने ही कलर इसमें यूज कर सकते हो। सभी चैन में से हम एक एक बार बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे घेरे में। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे सभी को बना लिया है और हमने सभी चैन में से एक एक बार बनाया है इनको, जैसा मैंने आपको ये बना के बताया था इसी तरीके से हमने सभी चैन में से एक एक बार बनाया है। और देखिए आप यहाँ पे किसी कितने भी कलर यूज कर सकते हो, जितने भी आपके पास अवेलेबल हो नहीं कलर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और देखिए इस तरीके से इतनी ड्रेस हमारी बनके तैयार हो गई। और देखिए फ्रेंड्स धागों को हमने यहीं से कट कर दिया है, सभी धागों को अलग अलग हमने कट किया है यहाँ पे ऊपर। अब देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमने धागे को यहाँ से जॉइंट कर लिया है। और देखिए अब हमें क्या करना है, 1 2 2 चैन बनाएंगे और देखिए फिर हम इसे नेक्स्ट को लेंगे। देखिए इस तरीके से इन धागों को हमें साथ में ही पकड़ना है और देखिए इस तरीके से हमें इसको ऐसे जॉइंट कर लेना है। फिर देखिए एक बार हम इसी में से लेंगे इस तरीके से, फिर हम 2 चैन बनाएंगे 1 2 फिर नेक्स्ट को लेंगे इस तरीके से ऐसे, फिर एक बार और इसमें से ही लेंगे ऐसे, फिर हम यहाँ पे 1 2 2 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में से लेंगे ऐसे, एक बार और इसमें से ही लेंगे, दो दो बार हमें इसी में से दो, देखिए सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हम 1 2 2 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट को लेंगे देखिए ऐसे, ऐसे फिर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी में से, देखिए इस तरीके से, फिर 1 2 2 चैन बनाएंगे, फिर देखिए फिर नेक्स्ट में से ऐसे 1 2 अब देखिए 1 2 2 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में से बनाएंगे, फिर देखिए एक बार और ऐसे, देखिए दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें से और फिर 2 चैन बनाएंगे 1 2 इस तरीके से बनाती हुई। देखिए फ्रेंड्स देखिए इस तरीके से हमें पूरे राउंड में इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको यहाँ तक जॉइंट कर लिया है, देखिए इस तरीके से। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब जो हमारे धागे निकले हुए हैं इनको हम इन्हीं के अंदर एडजस्ट करेंगे, वो हम कैसे करेंगे देखिए 1 2 3 4 4 चैन बनाएंगे और देखिए पप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 टाइम्स धागा लेंगे और देखिए इस तरीके से। अब देखिए इसको हमें धागे को ऐसे पकड़ना है और देखिए इसे नेक्स्ट में से इस तरीके से इसे जॉइंट कर लेना है। अब देखिए 1 2 3 4
फोर चैन लेंगे और देखिए फाइव टाइम्स धागा लेंगे पफी स्टिच के लिए, ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव टाइम्स धागा लेंगे और देखिए इस तरीके से पफ स्टिच बनाएंगे और देखिए इस धागे को इसी के अंदर एडजस्ट करते जाएंगे। सभी धागों को देखिए इसे नेक्स्ट में से बनाएंगे। अब हम सभी के ऊपर हमें एक एक बार पफ स्टिच बना लेना है, वन टू थ्री फोर, फोर चैन लेंगे और देखिए इस तरीके से पफ स्टिच बनाएंगे। जो हमारे धागे निकले हुए हैं इन्हें हमें इन्हीं के अंदर एडजस्ट करते जाना है, ऐसे वन टू थ्री फोर फाइव, देखिए इस तरीके से ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट में से वन टू थ्री फोर, ऐसे वन टू थ्री फोर और देखिए फाइव, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में इस धागे को हम इसी के अंदर एडजस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स ऐसे ही बनाते हुए हमें यहाँ पे पूरे राउंड में इसको कंप्लीट कर लेना है। सभी पे हमें एक एक बार पफ स्टिच बनाना है। देखिए फ्रेंड्स हमने इसको पूरे राउंड में कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम लास्ट में आ गए। देखिए हमने यहाँ पे फोर चैन बना ली है। अब देखिए फाइव टाइम्स हम धागा लेंगे, टू थ्री फोर और देखिए फाइव। कि यहाँ से हमने इसको शुरू किया था, यहीं पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। और देखिए धागे को हम यहाँ पे कट कर देंगे और देखिए इसी के अंदर हमें एडजस्ट करना है धागे को पीछे। देखिए हम आउटलाइन बनाएंगे चोली पर, यहाँ से देखिए इस तरीके से धागे को हम इसी के अंदर एडजस्ट करेंगे। देखिए ऐसे वन टू, टू चैन बनाएंगे और देखिए ऐसे हाफ़ क्रोशिया बनाना है हमें इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में ऐसे, फिर नेक्स्ट में देखिए, फिर नेक्स्ट में ऐसे हाफ क्रोशिया बनाते जाएंगे सभी चैन में से। देखिए इसमें से एक बार और बना लेंगे और देखिए पीछे नेक पे हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया के सेंटर में से एक एक हाफ क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। और देखिए अब आगे की तरफ भी हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हमने उस तरफ से बनाया है। देखिए इस तरीके से इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और देखिए यहाँ से इसको ऐसे हम जॉइंट कर लेंगे, टू चैन बना के धागे को यहाँ से कट कर देंगे और इस धागे को भी हम अंदर ही एडजस्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से
और देखिए इस तरीके से हमने आउटलाइन बना ली है चोली पर। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी की कितनी सुंदर सी, क्यूट सी और प्यारी सी ड्रेस बनी है। और हमारी ये 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को आएगी, हमने ये 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाई है। और देखिए ये हमारे 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हैं। चोली का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको बना सकते हो। और देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसको बनाना बताया है, आप इसे होल साइज में बना सकते हो। देखिए फ्रेंड, जिस भी साइज में आपको बनाना है पहले आप उस साइज की चोली बना लीजिए। और देखिए इसे बड़े साइज में आपको बनाना है, 6, 7, 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आपको यहाँ पे हमने पफ स्टिच बनाई है, इनको बढ़ाते जाना है, जितना भी बड़ा आपको घेरा करना है उतने पफ स्टिच आप बढ़ा सकते हो। और देखिए हमें यहाँ पे एवरी चैन में से एक एक बार ही पफ स्टिच बनाना है, इससे हमारा घेरा बहुत ही एकदम फिनिशिंग अच्छी आएगी घेरे की, और झोल भी नहीं आएगा। और इसे छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए बनाना है, 0 से 2, 3, 4, 3 नंबर तक के, 4 नंबर की तो हमने ये बनाई है, 4 से 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ये आसानी से आ जाएगी। तो देखिए हमें 0 से 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए यहाँ पे हमें 3 पफ स्टिच बना लेना है।